टाउन में पर्ल ग्रामर पब्लिक स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन एग्जीबिट हो रहा है, तो उस हवाले से हम आपको जिस जिस क्लास में मीडियम लेवल से लेके सेकेंडरी लेवल तक जितनी भी क्लासेस हैं उन्होंने अपने अपने तौर पे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं उसको एग्जीबिट किया। इरीगेशन सिस्टम डिफाइन किया है, जैसे फसलें होती हैं उन्हें दूसरे तरीके से पानी दिया जाता है पाइप के ज़रिए, तो ये जो सिस्टम है ये इसलिए है उसमें पानी वेस्टेज होती है, पानी की सेव नहीं रहता, पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, इसलिए ये सिस्टम इसलिए अपनाया गया क्योंकि इसमें ड्रिप ड्रिप स्लोली स्लोली करके ना पानी पौधों में जाता है जिसलिए पानी वेस्ट नहीं होता और इस तरह हमारे पानी जो है वो बचता भी है और कोई नुकसान भी नहीं होता। Drip irrigation is sometimes called trickle irrigation. Drip irrigation is one of the best solutions that have been developed to save water. This is a micro irrigation system where the water is allowed to drip slowly to the roots of the plants. Nutrient by allowing water to drip slowly to the root of plant either from above the soil surface or buried below the surface. The goal is to place water directly into the root. Direct through narrow tube below the soil surface. Surface drip irrigation where water is applied directly to the soil surface of plant. Drip irrigation ko baz ukat gudgudiya apache bhi kehte hain. Ye hamare liye pani ko mehfooz rakhne ka behtareen tarika hai. Drip irrigation aisa tarika hai jisse jadon ko pani bahut aaram se muhayya aata hai. इससे सतह के ऊपर और नीचे पानी आराम से पहुंच जाता है। मकसद ये है कि जड़ों को पानी पहुंचे और एवापोरेशन कम हो। ड्रिप इरिगेशन ऐसा तरीका है जिससे जड़ों को पानी आराम से मुहैया होता है और सतह के ऊपर नीचे अच्छे से पहुंचता है और जड़ों को पानी अच्छे से पहुंचे और एवापोरेशन कम हो। थैंक यू। इन्होंने प्रोजेक्ट जो बनाया है वो बेसिकली है सिटी लाइफ और विलेज लाइफ के दरमियान डिफरेंस का। और शहर की ज़िंदगी आलूदा तो आलूदा होती है लेकिन वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सहूलियात मिलती है, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े, हमें मतलब फ़ौरन से सहूलियात मुहैया हो जाती है। और गाँव में ये है कि माहौल तो पाक होता है, हवा आलूदा भी नहीं होती, लेकिन वहाँ पर सहूलियात बहुत कम होती है। लोगों को अपनी जो ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए शहर की तरफ रुख करना पड़ता है। गाँव की ज़िंदगी पुरसकून होती है क्योंकि शहर की ज़िंदगी आलूदा होती है। शहर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सहूलियात होती हैं और गांव की ज़िंदगी में कम सहूलियात होती हैं। जैसे शहर की ज़िंदगी में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बिल्डिंग होती हैं और गांव की ज़िंदगी ऐसे ही आलूदा होती है। प्रोजेक्ट नेम इज इंट्रोडक्शन विलेज। विलेज इज नेचुरल ब्यूटीफुल, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स आर अवर इन द विलेज। एवरी विलेज इज फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड विलेज लुक एंड नियर आर दैट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन ब्रिंग आयू chance to are in the village now even the better what is making the communication system better for example gaon ki zindagi ko jaise khoobsurat hoti hai yahan ka mahol aur isse paak hota hai taza phal aur taza sabziyan maujood hoti hai har ek jagah ko jaise bharpoor hai aur gaon daryao ke kinare nazar aate hai internet bujli aur ye dono bahut bade zaraye hain mahol ko badalne ke liye aur ye dono sahuliyat gaon mein maujood hai aur yahan tak ke intizamiya achhi sadak banane ka intizam ada kar rahe hain assalam alaikum and good morning I am Muzaffa from level Today my project is about advice. It's a village. They live in natural, peaceful and comfortable. The environment is free from pollution. Fresh vegetables and fruit are available in the village. The village has less no sand rush. In village people are very helpful and relationship agriculture depend on the excellent irrigation system developed by the village. Every place is full rivers and hills. For example, गांव की जिंदगी गुजरती तो पर अमन और आनंद होती है। गांव की आपको रवा आलूदगी से बाग होती है, ताज़ा फल और ताज़ी सब्जियाँ फरहम होती है। गांव में शोरगुल नहीं होता, गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं जिसकी वजह से अच्छे ताल्लुक पैदा होते हैं। राहत अपाइशी व मुश्तबिल अपाइशी का नज़रिया गांव में पाया जाता है। गांव की ज़िंदगी ज़्यादा दुरुस्त होती है, हर जगह खूबसूरती से भरपूर है, दरिया और पहाड़ियों से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आई मीन From Layer 3. Today my project name is about disadvantages village. Village life is quite peaceful and comfortable except cultivation and all small business in the village. There is one facility and opportunities to make career. There is a primary school and middle school in the village. Most of the farmer we cannot accept good transfer facilities and much more. For example, गांव की जिंदगी परवानी और आरामदायक होती है मगर गांव में छोटे छोटे गिनती कारोबारों पर गुजारा होता है जिसकी
की वजह से वहाँ ज़्यादा सहूलियात भी महर है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मौके फराहत नहीं है। और वहाँ ज़्यादा तालीम स्कूल में दी जाती है और स्कूल भी छोटे होते हैं लेकिन ज़्यादा लोग वहाँ किसान होते हैं और अच्छी तालीम और अच्छी उर्दू बात की सहूलियात भी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, आई एम वानिया फ्रॉम लवाटा। टुडे माय प्रोजेक्ट इज अबाउट विलेज एंड सिटी। पाकिस्तान पीपल आर डिवाइडेड टू टाइप ऑफ लाइफ, सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ। सो आई एम डिफाइन दिस प्रोजेक्ट अबाउट दिस लाइफ। इंट्रोडक्शन, सिटी लाइफ रियली सेटिंग एंड मोर कंफर्टेबल, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड मैनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मेक द सिटी लाइफ मोर कंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के लोग दो किस्म की जिंदगी में तकसीम है, एक शहर की जिंदगी और गांव की जिंदगी। लिहाजा इसलिए प्रोजेक्ट में बयान कर रही हूँ जिंदगियों के बारे में। शहर की जिंदगी बिल्कुल दिलचस्प आरामदा होती है और बहुत जदीद अदावियात की सहूलत, अच्छी तालीमी शहर की जिंदगी को ज्यादा बासान आरामदा बनाती है। टुडे माय प्रोजेक्ट नेम इज सिटी एंड विलेज। सिटी लाइफ रियली एक्साइटिंग, विलेज लाइफ इज नेचुरल। मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल, फ्रेश वेजिटेबल एंड फूड आर अवेलेबल। इन द सिटी वी सी गुड अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन, इन द विलेज वी सी वेरी प्लेस इज फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। इन विलेज लाइफ इज फ्रेंडली, पीपल आर सिंपल। शहर की जिंदगी बहुत दिलचस्प होती है, गांव की जिंदगी कुदरती होती है। शहर में जदीद इलाज की सहूलियात मौजूद होती हैं, गांव में ताज़ी सब्जियां और ताज़े फल मौजूद होते हैं। ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं, तालीम बच्चे तालीम देने से अच्छी तालीम हासिल करते हैं। लेवल 6 पे इन्होंने बेसिकली ह्यूमन स्किन का एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि हम ह्यूमन स्किन को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए लेवल 6 से ही पूछते हैं कि वो इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आशिर खान, आई एम फ्रॉम लेवल 6। माय टॉपिक इज वुमन स्केलेटन। इंसान के जिस्म में 206 हड्डियाँ होती है बट बच्चों के जिस्म में ज़्यादा हड्डियाँ होती है जो बढ़ने के साथ आपस में फ्यूज हो जाती है। देर आर वुमन स्केलेटन टू टाइप्स, एक्सोस्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के टू टाइप्स है, एक्सोस्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आया, आई एम फ्रॉम लेवल 6। टुडे माय टॉपिक इज स्किन। स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। Skin has 3 layer, epidermis, dermis, hypodermis. Thank you. Assalamualaikum, my name is Sarah, I am from level 6. Today my topic is circulatory system. Circulatory system pump blood from to the heart to the lung. To get oxygen, heart and blood vessels make up the circulatory system. Circulatory system pump करता है blood को दिल से lung तक। Pump क्यों करता है? ताकि oxygen ले सके, क्योंकि lung के पास oxygen होता है। दिल और खून मिलकर blood vessels बनाते हैं जिसे हम circulatory system कहते हैं। Thank you. My name is Talha, I am from level 6. Today my topic is organs. Lungs are two spong-like cone-shaped structure that fill most of the chest cavity. Lungs दो cone-shaped organ है जो हमारी chest cavity को fill करते हैं। Its function is to provide oxygen from inhaled air and to exhale CO2. इसका काम होता है, ये oxygen को अंदर लेते हैं और carbon dioxide को बाहर निकालते हैं। Liver, the liver lies on the right side of the abdominal cavity. Liver हमारी abdominal cavity के right side पे होता है, beneath the diaphragm, और diaphragm के पीछे होता है। Its function is to maintain body's blood composition remains the same. इसका काम होता है, ये हमारी body में blood का composition same रखता है। Thank you. Good morning, my name is Saima and I am belong to class 9 and today I am presenting to Pakistan ballistic and cruise missiles. Missile forces plays an important role in Pakistan defense strategy to offset the military advantages of India. Its main rival Islamabad deploy primary and short range ballistic missiles, but it has also been strides of cruise missiles. Pakistan missiles and nuclear program have benefit from Chinese technical assistance and evidence point to Pakistan cooperation of North Korea and Iran, as well as there are a lot of missiles in Pakistan army, but we choose some of them to elaborate. Pakistan ne apne defense ko strong karne ke liye ye missiles banaye kyunki India Pakistan ko kamtar samajhta tha, isliye Pakistan ne ye missiles banaye taki koi un par hamla kar sake to wo bhi aage se unhe jawab de sake. Waise to Pakistan ke paas bahut se missiles hain lekin jo khas khas hai hum unhe describe karenge. Aur in missiles ko banane mein 3 aur mulkon ke bahimi taluqat shamil hai, jaisa ki Iran, North
नॉर्थ कोरिया और जो सबसे बढ़कर जिसने पाकिस्तान का साथ दिया वो है चाइना, जिसमें से ये मिसाइल्स हैं शाहीन 3, शाहीन 2, अब्दाली, अबाबिल, गजनवी, बाबर एंड थैंक यू। माय नेम इज इसरा, आई रीड इन क्लास ग्रेड 9। टुडे माय टॉपिक इज शाहीन 2। पाकिस्तान इज द फर्स्ट डिस्प्ले द शाहीन 2 वाज मार्च 2000 सर्वाइव सबसिक्वेंट टेस्ट हैविंग टेक प्लेस द फाइनल ट्रेनिंग लॉन्च अकरिंग इन नवंबर 2014 आफ्टर विच द मिसाइल्स बिकम द ऑपरेशनल। इट इज स्पेसिफिकेशन द शाहीन 2 इज अ सॉलिड फ्यूल टू स्टेज मिसाइल्स विद एन एस्टिमेटेड रेंज 1500 टू 2000। इट मेजर 17.2 मील लॉन्ग, 1.4 डायमीटर एंड वेट 23,600 केजी एट लॉन्च। शाहीन 2 पाकिस्तान की सबसे पहली मार्च 2022 में किया गया। इसके बाद इसके कई सारे कामयाब तजुर्बे अमल में लाए गए। फिर ट्रेनिंग लॉन्च के बाद जो कि नवंबर में हुई थी, इसके बाद इसको ऑपरेट कर दिया था। इसका वेट 23,600 केजी है। थैंक यू। आई एम रीड इन क्लास 9 एंड माय टॉपिक नेम इज अबाबिल मिसाइल। डेवलपमेंट ऑफ द अबाबिल मोस्ट लाइकली बिगेन ड्यूरिंग टू मिड टू लेट 2000। इट बेसिक डिजाइन शेयर्स मेनी कैरेक्टरिस्टिक विद पाकिस्तान अदर सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सच एज शाहीन 2 एंड शाहीन 3 एज वेल एज चाइनीज CSS-7। अबाबिल मिसाइल को 2000 में बनाना शुरू किया। इसकी जो खसूसियात है वो दूसरे पाकिस्तानी मिसाइल से मुशाहबत रखती है, बिल्कुल शाहीन 2 और शाहीन 3 और इसके साथ साथ चाइनीज़ मिसाइल CSS-7। इसी के साथ मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता चलता हूँ कि अबाबिल मिसाइल की लेंथ है जो अननोन है और जो इसकी डायमीटर है वो 1.7 मीटर है और जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो 2200 किलोमीटर है। मिसाइल लॉन्च करने के लिए बनाया गया है, इसमें हम कहते हैं मिसाइल लोड कर लॉन्च करते हैं। शुक्रिया। Level 9. Today my topic is Ghaznavi missiles development. Pakistan organically began developing the Ghaznavi missiles early in the 1990s. These were later renamed the Ghaznavi missile. China first flight took place in 1990s and Pakistan conducted its first non-Ghaznavi test May 2002. The system became operational in 2004. Subsequent first flight took place in June and December 2006, February 2008 and May 2010. Ghaznavi missile officially 1987 mein banna shuru hua, lekin baad mein iske banane को ख्याल को मौखर कर दिया क्योंकि इस मिसाइल्स को चाइना से पाकिस्तान ने 1990s में खरीद लिया था। इसके बाद इसका नाम गजनवी मिसाइल रख दिया। ये गजनवी मिसाइल का टेस्ट चाइना ने 1990s में किया जबकि पाकिस्तान ने इस मिसाइल्स का टेस्ट मई 2002 में किया गया था। ये मिसाइल 2004 में इस्तेमाल में आ गया था। इसके बाद इसको आखिरी और कामयाब तजुर्बा जून और दिसंबर में किया गया था। इसकी जो लेंथ होती है वो 8.5 मीटर होती है और इसका डायमीटर 0.8 मीटर होता है और इसको लॉन्च करते हुए इसका वेट 4650 केजी होता है। माय नेम इज मैरिश, आई एम फ्रॉम लेवल 9। टुडे माय टॉपिक इज हार्ट 5 गोरी मिसाइल्स डेवलपमेंट। द हार्ट 5 इज नियरली आइडेंटिकल इन अपीयरेंस टू नॉर्थ कोरिया नोडोंग 1। कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इज डॉक्यूमेंटेड थ्रूट आउट द 1980s टू 1990s। बोथ नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान एक्सटेंड डेलीगेशन ऑन सेवरल लोकेशन ड्यूरिंग दीज ईयर्स एंड रिपोर्टली discuss missile development. Pakistan received between 12 to 25 missiles Nodong 1 from North Korea as a result of the cooperation. Other 5 Gori missiles Korea ke ek missiles Nodong 1 se milkar banaya gaya hai. Ye missiles do mulkon ke baahmi taluqat ki wajah se 1980 se 1990 mein banaya gaya. Pakistan aur Korea ne kafi sare mauqe ke dauran missiles ki tarakki ke bare mein mushawarat ki. Pakistan ne 10 se 25 missiles Korea se daramad kiye the. Iske sath sath iski specification iski jo range hai wo hai 1250 एंड 1500 किलोमीटर। इसकी जो मेजर लेंथ है वो है 15.9 मीटर और जो इसकी बॉडी का डायमीटर है वो है 1.35 मीटर और जब ये लॉन्च होता है तब इसका वेट होता है 15,850 किलोग्राम। थैंक यू। नेम इज सुफियान, आई एम फ्रॉम क्लास 9। टुडे माय टॉपिक इज बाबर मिसाइल डेवलपमेंट। पाकिस्तान बिगेंस डेवलपिंग द बाबर मिसाइल इन 1990s इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज नेसेंट क्रूज मिसाइल प्रोग्राम। इन अ सरप्राइज टू द US इंटेलिजेंस कम्युनिटी पाकिस्तान बिगेंस टेस्टिंग अ सबमरीन लॉन्च बाबर वेरिएंट द बाबर 3 इन 2017। They can launch HLs all have been mobile and west platform. Pakistan first tested the system in August 2005. It has conducted at least 10 Babur flight tests throughout July 2014. जैसा कि मैंने आपको इसके डेवलपमेंट के बारे में बताया, इसके साथ साथ मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस भी बताता चलता हूँ कि बाबर मिसाइल 6.2 मीटर तक लॉन्ग होता है जबकि इसकी चौड़ाई 0.52 डायमीटर होती है और जब हम इसे लॉन्च करते हैं तो इसका वेट 1500 किलोग्राम होता है लेकिन जब ये अपने टारगेट पर जाकर गिरता है तो इसका वेट 1500 किलोग्राम से घटकर 450 किलोग्राम हो जाता है। अक्सा फ्रॉम लेवल 1 एंड ऑल आर माय ग्रुप मेंबर्स। माय प्रोजेक्ट नेम इज वाटर साइकिल।
The motorcycle, also known as the hydrological cycle, that describes the continuous movement of water on above and below the surface of the earth. It is a complex system that has many processes. Liquid water evaporates into water vapor or condensation too from clouds and get back to earth. जैसा कि पहले पानी भाप की सूरत में ऊपर सूरज के पास जाकर हवा की मदद से बादल बनता है और फिर बारिश या बर्फबारी की सूरत में नीचे आता है, उसको वाटर साइकिल कहते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ बनाइल फ्रॉम लेवल वन। माय टॉपिक इज एवोपरेशन। एवोपरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपोराइजेशन दैट अकर ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एज इट चेंजेस इनटू द गैस। When humidity affects rate of evaporation of water. Thank you. Morning, myself Abbas from level 1. My topic is condensation. The condensation of a vapor or gas to a liquid is called condensation. The clouds called by condensation in the air. Thank you. Dora, my group members, my project name is Solar System. Many shelves in the our solar system of four stars, the sun, and everything mounted by gravity, moons, a bunch of stars, and several dwarf planets such as Pluto. सूरज हमारे शमसी निज़ाम का तारा है और इससे जुड़ी हुई है कच्चे शक्ल के जरिए चांद सीमेंट के गुच्छे स्टाइल खलाई चट्टानें बर्फ और इसके अलावा छोटे किस्म के प्लैनेट जैसा कि प्लूटो दैट प्लैनेट सात शमसी निज़ाम के आठ सैारे ये हैं मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून। थैंक यू नॉट टू मिल। Assalamu alaikum and good morning. Myself Muzammil from level 1. My planet name is Venus. Venus is sometimes called our sister planet because it is nearly the same size as Earth and it is closer to us, second from the sun. It often appears very bright in the early morning sky. Assalamu alaikum and good morning. Myself Ghulam Qadir from level 1. My planet name is Neptune. Neptune is the fattest planet from the discovered by French and English astronomer 1846. It is named later the great god of the sea. I'm from level 1. My planet name is Uranus. Uranus was only recently explored by Englishman William Herschel in 1781. The planet was first named after King of England, but name all later changes to Uranus after the Greek god of agriculture. Thank you. Now turn to Manur. Assalamu alaikum and good morning. Myself Mahanur from level 1. My topic is Mars. Mars is smaller than both Venus and Earth, but has a solar largest one cannot be called. It's a many scientists believe that women will travel to Mars distantly. Thank you. Assalamu alaikum and good morning. My name is Uran. I am from River 2. Today my project is revolution of the earth. The tilt combined with the revolution around the sun causes season change. Throughout the air, various part of the earth receive a varying amount of sunshine. This sun gets sun's most direct rays toward the dawn when the north pole is toward the sun. जब जमीन सूरज के गिर घूमती है वो मौसम चेंज होते हैं, कहीं सर्दी होती है और कहीं गर्मी होती है। जिस पमाल पर सूरज की छुआएं पड़ती है वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और वो जिसके अपोजिट होती है वहाँ सर्दी होती है। इस तरह मौसम में तब्दीली आती है। थैंक यू। नाउ टर्न टू आयशा। Assalamu alaikum, good morning. My name is Aisha. I am from level 2. Today my project is revolution of the earth. The primary benefit of the earth revolution is the change of seasons. As stated earlier, the earth axis is not vertical, rather it is still by 23.5 degree. Consequently, the north end of the rotational axis always points toward the north star when the earth revolves around the sun. इसका पहला फ़ायदा ये है कि जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो इस वजह से मौसमों में तब्दीली आती है, मतलब कि मौसम चेंज होते हैं। थैंक यू। मोहम्मद जुजैफ, आई एम फ्रॉम लेवल 2। टुडे माय प्रोजेक्ट इज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पैथ इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन। द अर्थ रिवॉल्व फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द एंटी क्लॉकवाइज।
I am from level 2. Today my project is day and night. Today we will define about day and night. When we see the sun shining in the sky, it is day. And when we don't, it's night. जब हम सूरज को आसमान में चमकते हुए देखते हैं तो उस वक्त दिन होता है और जब हम नहीं देखते हैं तो रात होती है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. माय नेम इज सगीर हुसैन. आई एम फ्रॉम लेवल. टुडे माय प्रोजेक्ट इज डे एंड नाइट. सो द क्वेश्चन इज व्हाई इज द सन इन द स्काई सीन एट सेम टाइम एंड नॉट एट अदर. तो सवाल ये बनता है क्यों सूरज आसमान में कुछ वक्त नजर आता है बाकी वक्त नजर नहीं आता. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. माय नेम इज शायान. आई एम फ्रॉम लेवल 2. टुडे माय प्रोजेक्ट इज डे एंड नाइट. वी सी द सन मूव अक्रॉस द स्काई स्टार्टिंग इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग देन टुवर्ड द साउथ एट नून देन फाइनली टुवर्ड द वेस्ट एज द डे एंड्स. हम देखते हैं सूरज सुबह के वक्त मशरिक में से शुरू होता है फिर शाम के वक्त जनूब मगरिब की तरफ डूब जाता है और इस तरह दिन का. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. माय नेम इज हुरिया ईमान. आई एम फ्रॉम लेवल 2. टुडे माय प्रोजेक्ट इज डे एंड नाइट. हाउ डज दिस हैपन? एक्चुअली द सन अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई बिकॉज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. सूरज आसमान पर घूमता हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जमीन अपने महवर के गिर्द चक्कर लगाती है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. माय नेम इज गुलरू. आई एम फ्रॉम लेवल 2. टुडे माय प्रोजेक्ट इज डे एंड नाइट. एक्सिस एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल अंडर द अर्थ एंड द साउथ पोल. इट इज फैसिनेटेड ऑफ द पॉइंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स वन एक्सिस नाउन एज स्टेशन. महवर एक सीधी लकीर है जो कि होती नहीं है. हम तसव्वुर करते हैं हम ख्याल करते हैं कि वह जो जमीन कुतुब शुमाल से लेकर कुतुब जनूब के दरमियान से गुजरती है जमीन को अपने महवर के गिर्द हरकत करने को महवरी गर्दिश कहते हैं. थैंक यू. वालेकुम. गुड मॉर्निंग. माय नेम इज नबीला. आई एम फ्रॉम लेवल 2. टुडे माय प्रोजेक्ट इज डे एंड नाइट. व्हाई वी हैव डेज एंड नाइट्स? अस अर्थ रोटेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव सनलाइट और डार्कनेस गिविंग अस डे एंड नाइट. एज योर लोकेशन ऑन अर्थ रोटेट इनटू सनलाइट यू सी द सनराइज. यही वजह है कि हमारे पास दिन और रातें होती है जिससे कि जमीन घूमती है. जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर सूरज की रोशनी या अंधेरा मिलता है जो हमें दिन और. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. माय नेम इम्तियाज. आई एम फ्रॉम लेवल 2. टुडे माय प्रोजेक्ट इज डे एंड नाइट. टुडे वी विल डिफाइन अबाउट डे एंड नाइट. व्हेन वी सी द सन शाइनिंग इन द स्काई इट्स डे एंड व्हेन वी डोंट इट्स नाइट. जब हम सूरज को आसमान में चमकता हुआ देखते हैं इस वक्त दिन होता है और जब हम सूरज को नहीं देखते तो रात होती है. थैंक यू. नाउ टर्न टू सना. Hello, my own good morning. My name is Hanan. I am from the Uleman Omei day and night. So the weather is dry in the sunny sky. He and I and all on the all of our year, but I am Kusuna. I am Risha from class 7 and the all are my group member. The topic of our project of hydraulic or the word hydraulic organized from Greek word which is trying to organize from hydraulic for water and allows meaning pipe. Hydraulic is a mechanical function that appears to store the force of liquid pressure. In hydraulic based system, mechanical movement is produced by content pump liquid, typically through the hydraulic cylinders moving pistons. Now it's turn of. Assalamu alaikum and good morning. I am Iman from level 7. The topic of my project is hydraulic arm. When you push on the plunger of the movable piston, the arm rises. When you pull on the plunger, the arm descends. Pushing on the plunger applies pressure on the water in the movable piston. Hydraulic system are capable of moving heavier loads as well as providing greater force than mechanical, electrical or pneumatic system. The flood power system means it can easily cope with large weight change without having of use gears, pulleys or heavy levers. Remember, the purposes of hydraulic system is to create motion or force. It's a power source generating energy. जब आप हरकत करने वाले पिस्टन के प्लंगर को धकेलते हैं बाजू उभरता है और जब आप प्लंगर को खींचते हैं बाजू नीचे को आता है. प्लंगर को धकेलने से हरकत करने वाले पिस्टन पानी पर दबाव पड़ता है. हाइड्रोलिक सिस्टम वजनी लोड उठा सकते हैं इसके साथ साथ ये बड़ी फोर्स पैदा करती है. दूसरे सिस्टम के मुकाबले फ्लड पावर सिस्टम का मतलब वजनी चीजों को उठाना बगैर
किसी गैस पुलिस और लीवर्स के इस्तेमाल के। याद रखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम का मतलब हरकत और ताकत पैदा करना है। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, आई एम उमर फ्रॉम लेवल 7। द टॉपिक ऑफ माय प्रोजेक्ट इज हाइड्रोलिक आर्म। टाइप ऑफ हाइड्रोलिक ब्रिज: बेसिकल ब्रिज, स्विंग ब्रिज एंड लिफ्टिंग ब्रिज। फोर मेन हाइड्रोलिक ब्रिजेस: बेसिंग ब्रिज, बीम ब्रिज, ट्रस ब्रिज एंड आर ब्रिज। फाइव मेन हाइड्रोलिक डिवाइसेस: हाइड्रोलिक स्ट्रीमिंग, हाइड्रोलिक जैक्स, हाइड्रोलिक शॉफ्ट, एब्जॉर्बर्स, हैवी इक्विपमेंट्स एंड एयरप्लेन्स। हाउ डज हाइड्रोलिक वर्क? हाइड्रोलिक फ्लूइड क्रिएट फ्लूइड बाय पंपिंग द फ्लूइड थ्रू द फ्लूइड पावर बाय पंपिंग द फ्लूइड्स बाय द सिलेंडर। थैंक यू। From level 7, the topic of project is hydraulic arm. The advantages of hydraulic system are: hydraulic system are easy to contract and accurate. Hydraulic system are easy to maintain because this system useless moving part. Easy to spot leakage of hydraulic system. Hydraulic system ke fawaid ye hain: hydraulic system ka muayda karna aasan hai aur durust. Hydraulic system aasan aur barqarar rakhne mein aasan hai kyunki kam harkat pazir hissa istemal karta hai. Hydraulic system se leakage ko talash karna aasan hai. The disadvantages of hydraulic system are: poor resistance to working fluid pollution, sensitive to temperature change, it is not suitable for long distance transmission, hidden danger of leakage, difficult manufacturing and high cost. Hydraulic nizam ke nuksanat: kaam karne wale fluid ke khilaf kamzor mazahmat karta hai, darja hararat ki tabdiliyon ke liye hassas hai, ye lambi duri ki tarmeed ke liye mauzu nahi hai, leakage ka poshida khatra, mushkil manufacturing aur high cost. Assalamu alaikum and good morning, I am Asba and I am student of class 7. My project topic is clean energy. Clean energy is energy that comes from renewable energy sources that do not pollute the atmosphere when used, as well as energy saved by energy efficiency measure. Clean energy wo energy hai jo ki aise zaraye se hasil hoti hai jo ki mahol ko aluda na kare, iske sath sath bahut si energy mehfooz ki jati hai. Assalamu alaikum and good morning, I am Atiya from Rajasthan. In the topic of my project clean energy, here are a few common sources renewable energy. Hydropower harnesses the energy of water moving from higher to lower elevation. It can be generated from reservoir and river. Reservoir hydropower plant rely on stored water in the reservoir. Thank you. Assalamu alaikum and good morning, I am Rayan from level 7. The topic is my project clean energy. Hydropower current is the largest source of renewable energy in the electricity source. It rival on gathering stable rainfall pattern and can be negatively impacted by climate induced graph or change in rainfall pattern. Shukriya. Solar energy wo energy hai jo sunlight ko electric mein convert karti hai. Thank you. Assalamu alaikum, my name is Natasha, I am a student of level 5. Today I am going to explain the structure and importance of dam. The dam wall consists of two chamber, first and second, with a dividing wall in the middle representing a dam. Water is stored in the first chamber is called the reservoir and allowed to flow through a hole in the middle wall into the second chamber. As water makes its way into the second chamber, it passes through a black generator. Dam do khanon par mushtamil hota hai jiske darmiyan mein taqseemi deewar dam ki numaindagi karti hai. Pani pehle chamber mein zakhira kiya jata hai jise reservoir kehte hain. Dam ke darmiyan mein taqseemi deewar ke zariye gate ke zariye pani dusre chamber mein jata hai. Now it's turn of start. Uske baad my name is sir, a dam is a barrier that stop the flow surface water or underground streams. Reservoir created by dam not only suppress flood but also provide water for activities such as human consumption and industrial use. Dam satahi pani ya zara zameen nadiyon ke bahav ko rokta hai. Damo ke zariye banaya gaya zakhira na sirf salab ko rokte hain balki insani istemal aur sanat istemal jis sargarmiyon ke liye pani faraham rehta hai. Assalamu alaikum, myself Tayyab Zahir, I am a student of level 8. Our project is smart city. What is smart city? In the last few years, smart cities have grown and all expanded all around the world. But what are really smart cities? Accordingly to the definition, a smart city is facing many different domains such as having sufficient fresh water access, cleaner energy, smart buildings that understand their occupants' need and the ability of traveling efficiently while keeping the city greener. A smart city need to renew and rethink where we used to live for centuries. Obviously, some
cities are doing much better than others, such as Singapore, Barcelona or London. For most of these three cities, they base their urban areas' growth on making their inhabitants' daily life easier and simpler. For example, in Barcelona, they install many sensors around the city to help and manage traffic to monitor air quality and noise with street light, as well as sensor system for irrigation, letting people know when rain is predicted and will adjust city sprinklers accordingly. Thank you. Assalamu alaikum and good morning. My name is Alishba and I am student of level 8. Today our project is smart city. So why do we need smart city? There are many reasons why we should transfer our cities and make them continuously our cities. Our cities are getting bigger and bigger road, our commute longer road, larger, and the impact on the environment in worse than that it has ever been. To tackle these challenges, we need to look up some other cities that are already succeeding in that domain and replicated the model. Its global challenges as India, China and China, Africa are facing significant population growth. बहुत सी बच्चों बात है जिनकी वजह से हमें अपने शहरों को मुंतकिल करना पड़ रहा है. हमारा स्मार्ट बहुत बड़ा होता जा रहा है. हमारे शहर का सफ़र तवील, सड़कें लंबी और मुतासर होने वाला माहौल पहले से ज़्यादा बदतर है. हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर किसी मुल्क या कौम की आबादी बढ़ने लगे तो नए शहरों को तवील करने के बजाय नए शहरों की बुनियाद रखो. वालेकुम, माय नेम इज़ सना, आई एम स्टूडेंट ऑफ लेवल 8. टुडे माय प्रोजेक्ट इज़ फ्यूल. व्हाट इज़ फ्यूल? फ्यूल इज़ नॉट ओनली ऑफर अ कंज्यूमर्स द एसेंशियल सर्विस ऑफ फीलिंग अप देयर व्हीकल्स, बट दे ऑल्सो ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस विच आर की कंट्रीब्यूशंस टू देयर बटन लाइंस. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैन, आई एम स्टूडेंट ऑफ लेवल 8. माय टॉपिक इज़ अबाउट राइट्स एंड बेनिफिट पेट्रोल स्टेशन. नंबर 1, राइट टू चेक द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल. नंबर 2, राइट टू चेक द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल. नंबर 3, राइट टू चेक द डेंसिटी ऑफ पेट्रोल. नंबर 4, राइट टू कंडक्ट फिल्टर पेपर टेस्ट. नंबर 5, राइट टू आस्क फॉर द बिल. थैंक यू. ओके, नेक्स्ट. Assalamu alaikum, my name is Muskan and I am the student of level 8. Today our project is smart city and my topic is hospital and aims of restaurant. Hospital. The hospital is a place where people go for medical treatment. There are lots of doctor and nurse in the hospital. It is one of the important place in any area. Having a hospital is always good for everyone. There are different type, size and hospitals. Government hospitals are free for common people. There are different type of patients in the hospital. Some hospitals are dedicated to specific diseases. Aims of restaurant. The main aims of this project is computerization of all processes which happens in the restaurant. It is a database system for creating a selective retrieval for information for subsequent analysis, manipulation and Assalamu alaikum, my name is Mahnoor. I am a student of level 8 and my project is about aims of a smart city. A smart city is a municipality that uses information communication technologies, ICT, to increase operation efficiency, share information with the public and improve both the quality of government services and citizen welfare. The main objective of the mission is to promote cities that provide core infrastructure, clean and sustainable environment and give a decent quality of life to their citizens through the application of a smart solution. माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट किया है इन्होंने और जो है बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों को, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बड़ा बेहतरीन है ये. और मार्क्स जो ये माशाल्लाह साहब सबको आउट ऑफ 10 है, मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है. ये जो मतलब कि ये काम कर रहे हैं जिस तरीके से ये बच्चे जो है ना, ये इस पर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेने वाले बहुत बेहतरीन है और इंशाल्लाह इनके फ्यूचर बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा होगा. ठीक है, शुक्रिया. वालेकुम, दिस इज़ मायरा फ्रॉम क्लास मैट्रिक. नाउ आई वांट टू गिव इंट्रोडक्शन अबाउट आवर प्रोजेक्ट. जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. ड्राइवर को डोजनेस की वजह से होने वाले हादसात को आई ब्लिंक सेंसर के जरिए रोका जा सकता है और इसके 2 कंपोनेंट्स है, फर्स्ट आर्डिनो नैनो एंड सेकेंड IR सेंसर. और इसकी एक वजह यह भी है कि ड्राइवर ड्राइव करते करते सो जाते हैं, जो कि हमने ग्लासेस वेयर करने हैं. जब अलार्म बजना स्टार्ट होगा 2 सेकंड्स बाद. अस्सलाम वालेकुम, दरअसल इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है ना, वो हमारा ये मकसद है कि जो ड्राइवर सो जाते हैं ना, उनके लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ख़ासतौर पर रात को. अब इसमें फंक्शन क्या हो रहा होता है, सबसे पहले यहाँ से हम जब बटन को स्टार्ट करते हैं तो ये गाड़ी स्टार्ट है और इसके बाद यहाँ से एक IR सेंसर लगाया हमने. दरअसल एक IR सेंसर क्या करता है कि यहाँ से सिग्नल देता है इसको और ये Arduino Nano को सिग्नल देता है, उसकी वजह से ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है.
और जब ये अलार्म बजेगा तो उसकी मदद से ड्राइवर जो है अगर सो रहे होंगे तो वो डायरेक्ट से उठ जाएंगे और एक्सीडेंट से बचा जा सकता है इससे। हम आईआर सेंसर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रांसमीटर टाइप हैं। इनमें से ये जो वाइट वाला होता है इसको हम रिसीवर कहते हैं और ब्लैक वाले को ट्रांसमीटर कहते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन दोनों लाइट्स के आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ड्राइवर अलार्म से भी ना उठे तो वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन से भी ना उठे तो ये टायर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं चलना। From reception, my topic about sensor ears are over. They have the ears are suffering. Thank you. I remember say from reception, my topic is about test but to detect those intestines are closing. What we have fought. Assalamualaikum, good morning. I am Anamta Zamir from class reception. My topic is about your nose contents, your breath, nose clean, the air we breathe. Are our your body we can feel hot or cold by touching the objects, not all part of the body. Welcome and good morning. My name is Abed. I am a student of class beginner 2. My topic is about circle. A circle is a plane figure. It is a closed curve. It has no side. A circle is a round ball. It has no edge. Thank you, Natasha. Assalamualaikum and good morning. My name is Ariba. I read in class beginner 1. My topic is about square. Square is like a box. It has four sides. They are all the same. The color of square is pink. My name is Mehania. I study in class beginner 1. My topic is rectangle. It is a flat and flat shape. It is a has four sides, four angles and four corners. Opposite sides are equal. Thank you. My name is Ayan Khan. I read in class beginner 1. My topic is about triangle. A triangle is this because the sandwich in two triangles, the color of the triangle is red. Thank you. Man, good morning. My name is Reza. I am a student of class beginner 2. In transport, the movement of the people and goods by the road is called land transport. For example, car, bus, rail, train, etc. Water transport, the movement of the people and goods by the water is called water transport. For example, boat, ship, submarine, etc. Air transport, the movement of the people and goods by the air is called air transport. For example, my name is Samna and I am a student of class beginner 2. My topic is about yarn and zebra. Yarn is a wild animal. They are white and black. They have two eyes. Zebra are herbivorous animals. Thank you. Assalamu alaikum and good morning. My name is Noor Fatma. I am student of class beginner 2. My topic is about elephant. It is wild animal. It is very big animal. It is large black. It has 4 feet. It has 2 large ears. Its eyes are small. Thank you. Assalamu alaikum and good morning. My name is Naman and I am student of reception class. My topic is about dog. It has 4 legs. It has 2 eyes. Its body is long. Assalamu alaikum and good morning. My name is Naman and I am student of reception class. My topic is about dog. It has 4 legs. It has 2 eyes. Its body is long. Its teeth are sharp.
Assalamu alaikum and good morning. My name is Sunen. I am a student of class beginner 2. My topic is about dead as the wild animal. They are the herbivorous animal. It is fast animal found over at there can jump and fast and swim well. Thank you. Assalamu alaikum and good morning. My name is Shakir and I am student of science class. My topic is about cat. Cat is a small element. It has 4 feet. It has 2 eyes. Cats are many colors. Thank you. Assalamu alaikum and good morning. My name is Ayan Ali. I am a student of class 2. My topic is about cow and camp. Cow is a pet animal. She has a large body. She has 4 legs. She eats green grass. She gives milk and with camel is a domestic animal. The live with desert area. The length of camel is above 10 feet. It can live without water for many days. It is big and useful animal. Thank you. Assalamu alaikum and good morning. My name is Abu Bakr. I am a student of class 2. My topic is about horse and rabbit. Horse is a domestic animal. It can run very fast. It has long neck and strong body. Horse is a four-footed animal. Rabbit is a small animal. It is white in color. Rabbit are herbivorous. They like to eat. Good morning. My name is Laiba. I am a student of class beginner 2. My topic is about park. Park. It is the open place to relax and play. People use the park for walking. There are a lot of bench for sit. A park is a place of enjoyment for everyone. There are a lot of flower and green grass. Assalamu alaikum and good morning. My name is Umar Ali. I am a student of class beginner 1. My topic is about post office. Post office is very helpful to us. Post office is important for our country. Post office is used to send and receive letters. Every post office at its office, the color of the fox box is red. Thank you. Assalamu alaikum and good morning. My name is Zansha. I am a student of class beginner 1. My topic is about hospital. Hospital is a place where people go if they are sick. There is a medical store in hospital. There are both government and private hospitals. Doctor and nurses work there at the hospital. Hospital is a place where people go for medical treatment. Thank you. Assalamu alaikum and good morning. My name is Abdul Adi. I am a student of class beginner 2. My topic is about Masjid. Masjid is a holy place. It is a worship for Muslims. Muslims go to Masjid 5 times in a day. They offer prayer in a Masjid. They are all members in a Masjid. The prayer is an essential part of Majid. Thank you. Good morning. My name is Aisha Maim. I am from class beginner 2. My presentation is about petrol pump. A device at a filling station that is used to deliver petrol to the tank of vehicle. It can produce a large amount of energy. Petroleum is highly dense fuel source. Thank you. Assalamu alaikum and good morning. My name is Sana. I read in class beginner 1. My topic is about school. A school is an educational institution to provide learning environment. In school, teacher teach the student. Student read book in library. Learn computer in computer lab. Student perform different topics practically. Different festival and days are celebrated at school. Thank you. Assalamualaikum and good morning. My name is Mohammed Hussain. I am student of class beginner 2. My topic is about fruit, vitamin, mango, potato, vitamin B, C, K, E, banana, rich nutrients, vitamin C and fiber, strawberry content, vitamin C, chlorine,
क्लोरीन प्रोटीन ग्रेप्स ग्रेप्स कॉन्टेंट वाइटामिन के एंड पोटाशियम ऑरेंज ऑरेंज कॉन्टेंट वाइटामिन विटामिन सी पोटाशियम एंड फाइबर गावा गावा कॉन्टेंट विटामिन के एंड पोटाशियम थैंक यू Good morning, my name is Ghulam Mustafa. I am a student of class number 1. Today we are celebrating a class party. I'm a topic about food. My name is Molly Butterfield. Follow chat on can have healthy food for children in cute. Apple, orange, banana, mango, etc. This is a happy potato. Chai from etc. Banana and more. Very baby first food. Orange, yellow, purple, citrus fruit. Orange, yellow, purple, citrus fruit. And good morning, my name is Abdul Rafi. I am a student of class because in my topic of vegetable vitamin capsicum contain C, A, B, C and folate. Brinjal contain vitamin K, C and potassium. And potassium. Potato contain vitamin C and potassium, vitamin B6. Carrot contain vitamin A, K and potassium. Peas contain vitamin C, C, E, with zinc and potassium. Lemon contain vitamin. Assalamu alaikum and good morning. My name is Hamza. I am a student of class Bigan 1. Vegetable are important of a healthy diet. Vegetable are important source of many nutrients. Vegetable are rich good source of folates. Folates especially important for children. Vegetable are good source of dietary fiber. Vegetable give you energy. Thank you.